अरे मम्मी बोल यार, आप बहुत टेंशन क्यों लेते हो मम्मी इतना, जब मैं टेंशन नहीं ले रहा, बोला है ना आपको सर लोहड़ी में आपके, अरे मैं बोल रहा हूँ ना लोहड़ी बनाएंगे सर, मैं लेके आऊंगा अपनी कोई गर्लफ्रेंड, बस यार क्या मतलब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, अरे नहीं है मेरे जिले पे नमक छिड़कते रहा करो आप, आपको बस इतना बोला है ना कि इस बार लोहड़ी एक लड़की के साथ बनवा दूंगा आपकी, बस जो लोहड़ी पे फेरे लगा ना मैं लड़की का हाथ पकड़ के दिलवा दूंगा बस। हाँ लड़की ऐसी होगी जो आपको सासू माँ बोल देगी, खुश हो ना, मैं वादा कर रहा हूँ इस बार लोहड़ी लड़की के साथ ही बनाएंगे, आप टेंशन मत लो। यार मम्मी कहाँ से लाऊंगा वो मैं देख लूंगा ना, कहीं ना कहीं तो, कहीं ना कहीं तो मेरी नजर ऐसे जा। मम्मी बाद में बात करता हूँ, मैं जो बोल रहा था ना वो करता हूँ। अच्छा ये थोड़ी सी पतली सी लड़की चलेगी ना, थोड़ी सी मतलब मैं भी पतला सही हूँ, मतलब पतली लड़की चलेगी ना, जरूरी नहीं आज सूट वूट पहन के आएगी ना अच्छे से, ठंड हो रही है ना अंदर से भी दो तीन सूट पहना दूंगा तो थोड़ी सी सही लगेगी मेरे लिए ना बिल्कुल, ठीक है। हाँ सुंदर है लड़की तो, एक सेकेंड मैं नाम पूछ लेता हूँ, अगर मैं बाद में बात करता हूँ आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। हाँ अरे मिल गई लड़की, आप टेंशन मत लो मिल जाएगी, बाय। एक्सक्यूज मी, हाय। अरे बड़े ठंडे ठंडे हाथ हो रहे हैं आपके, एक्चुअली मेरा नाम एसके दा सेलिब्रिटी फेस है, आपका नाम क्या है? क्या अनवी शर्मा, अनवी शर्मा जी बताओ। अरे नाम सुनते ना एकदम से कुछ हुआ हल्का सा मेरे ना दिमाग के अंदर से कुछ, अनवी शर्मा एक्चुअली ना मेरी एक प्रॉब्लम है, आप हेल्प कर सकते हो क्या? जैसे कि अभी आपने सुना ही हुआ हल्का सा, मैं अपना मम्मी से बात कर रहा था, एक्चुअली ना मैं ना 27 साल हो गया हूँ, मैं ना पिछले 25 साल से मम्मी को वादा करता आ रहा हूँ कि ना मैं लोहड़ी आपके साथ ना मतलब किसी मेरी शादी कर ले बोलती रहती है ना, तो किसी लड़की को लेके आया लोहड़ी पे, हम घर वाले सारे बैठ के किसी लड़की के साथ, नहीं आप लड़की हो ना, बता रहा हूँ ना, थोड़ा मेरी तरफ देखो तो सही प्यार से, थोड़ा सा आप उधर की साइड से लगे, नहीं मतलब हल्का सा इधर की साइड हो जाते, मैं बताता ना वो दिल की फीलिंग बताता, थोड़ी सी आपके बाल अच्छे आप यूँ कर रहे हो ना बाल से वो बड़े प्यारे लग रहे हो, एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम सुन लो, अगर आपको मतलब प्रॉब्लम ये है कि ना जैसे हम पंजाबी है तो लोहड़ी बनाते हैं ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि मम्मी को ना मेरा वादा किया 25 साल से करता आ रहा हूँ कि लड़की के साथ लोहड़ी बनाएंगे, लोहड़ी बनाएंगे 25 साल से, अभी तक आपको एक भी लड़की मिली भी नहीं, वो ऐसी नहीं मिली ना जो मान जाए कि लोहड़ी मेरे घर पर चल जाए, कोई अच्छी नहीं लगती एकदम से, जैसे आप अच्छे लग गए मेरे को, मैं बता रहा हूँ ना जैसे आप बोल रहे हो ना पतले पतले से होटो से मैं अच्छे लग गए ऐसे ही, इसलिए मेरे को अच्छे लग गए आप, एक्चुअली मैं प्रॉब्लम सुन लो मेरी प्लीज, थोड़ा सा मेरे को देखो सही ना, मेरे को प्यार आएगा ना ऐसे तभी तो बता मेरी तरफ देखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, एक्चुअली ना मेरी मम्मी बोल रही थी कि तू इस बार अगर लोहड़ी किसी लड़की के लिए नहीं लेके आया ना कि घर पे कोई लोहड़ी बनाने के लिए, तो कह रही कि तू घर पे मत आई लोहड़ी वाले दिन, तेरे कोई फायदा नहीं हो रहा लड़का पैदा करने का, कह रहे हमने लड़का किस लिए पैदा किया कि तू वही कोई लड़की घर पे लेके आए और तू लेके भी नहीं आ रहा, 27 साल का लोंठा हो गया, तो मम्मी को बोलो मम्मी खुद लेकर के आ जाएंगे, नहीं मम्मी नहीं लेके आ रही ना, मम्मी तो बोल रही तेरे बस की नहीं कुछ हो रहा तो बता, फिर मैं ना नहीं मैं अपना स्टेड हूँ ना, मैंने बोला मैं ही करके दिखाऊंगा, तो अब इस बार ना मैंने सोचा लोहड़ी बनानी है तो एक लड़की को लेके जाना है, तो कोई गर्लफ्रेंड है नहीं मेरी यार, भले मैं देख लो कितना यार बुरा लग रहा है मेरे को, देखो इधर देखो कितना बुरा लग रहा है, कोई लड़की नहीं है बताओ, तो इस बार मैंने सोचा कि ना लोहड़ी पे ना मम्मी के लिए लेके ही जाऊंगा लड़की, मेरे सामने तो एक ही लड़की बैठी है, ऐसे बोल रही है मतलब कि क्या हो गया, लोहड़ी क्या होता है मतलब जैसे आग जलाएंगे फिर उसमें पूजा वजा करके, अरे आपको कोई जलाऊंगा, आपको तो अपने दिल में रखूंगा ना मैं, आपको दिल में नहीं रहना किसी, किसी और के दिल में रहते हो आप, रहते हो यार, ये क्या हो रहा है यार, बोला आपका बॉयफ्रेंड है क्या, क्या मतलब है या नहीं है, सिंगल हो तो? यार एक्चुअली ना देखो अभी आपने हाथ मिलाया था ना, एक बार हाथ मिलाओ दोबारा, नहीं एक बार मिलाओ तो मैं बता रहा हूँ, हाँ मिलाते एक बार मिला लो प्लीज, तो कैसे मैं बता रहा हूँ आपको ना कुछ बता रहा हूँ, ओहो मिला लिया, ऐसे तो सेलिब्रिटी फेस मेरा नाम है, तो ना मैं ना अच्छा लड़का हूँ एक ना, दाढ़ी वूढ़ी पे मत देखो मैं तो ना, थोड़ा सा आप देख ही नहीं रहे कहीं आपको डर तो नहीं कि आपको प्यार हो जाएगा, किसी से प्यार नहीं होता, मतलब आपकी लाइफ में कोई लड़का नहीं है ये बताना चाह रहे हो ना आप, नहीं नहीं है,
यार ऐसे मत करो यार, झूठ बोल रहे आप। अच्छा चलो ठीक है, अंगूर है कि आप किसी और दुकान से ले जाओ, मुझे परेशान मत करो। यार मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, आपको लग रहा होगा परेशान कर रहा, आप मेरे को देखो तो सही, आप देख नहीं रहे, पता कितना अच्छे लग रहे हो, फिर भी देखो हल्का से ऐसे करके बैठो ना, ऐसे करके बैठो आप यूं करके, तो मुझे अच्छी फीलिंग आएगी ना, आप मेरी तरफ देखोगे ना। देखो पता है क्या, बस एक रिक्वेस्ट है, हो बैठ गए। एक्चुअली ना पता क्या है, बस मैं आपको मैंने प्रॉब्लम बताई नहीं, बस इस बार ना मेरी एक हेल्प कर दो, मेरे घर चल लो, लोहड़ी बना देना, उसके बाद से अगर आपको मेरी अच्छा लगे, वो शाम बिताऊंगा ना जो मैं आपके साथ, अगर वो आपको अच्छा लगे मेरे साथ बिताने में, तो हम एज अ फ्रेंड फिर आगे बढ़ जाएंगे, बस ये है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरी यार, कि ना मेरी मम्मी को मैंने बोला हुआ है, वादा किया हुआ है, मेरे साथ थोड़ा बना लीजिए प्लीज़। तो फिर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे ना, फिर मैं अपनी मम्मी, अरे शादी नहीं करनी, फिर मैं क्या छुप के झूठ बोल कर थोड़ी ना जाऊंगी। एक शाम की बात है, एक शाम अपनी जिंदगी के मेरे नाम कर दीजिए प्लीज। मैं क्यों करूं अपनी शाम किसी के नाम? यार पता है क्या, यहाँ एक एक सेकंड इतना इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ एक शाम करते क्या वैसे आप करते क्या? मैं कुछ भी करती हूँ, थोड़ा तेज बोलो ना, क्या कुछ भी करती हूँ, कुछ भी कर लेते हो तो कुछ भी, मैं थोड़ा सा लोहड़ी बना लोगे मेरे साथ तो अच्छा नहीं लगेगा, बताओ मेरी एक बेचारे लड़के की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मेरी मम्मी मैं जानती नहीं हूं आपको, मम्मी को जानती नहीं हूं एक्चुअली। देखो मैं इधर देखो, मैं इधर देखो कितना, मतलब थोड़ा सा सब मैं तारीफ कर लेता हूं आपकी थोड़ी बहुत, मतलब मैं अच्छा लड़का हूं है, तो मैं ना आपको ना खुश ही रखूंगा, बस ये रिक्वेस्ट है। मुझे मैं बहुत खुश हूं, मुझे नहीं रहना, खुश हो बहुत, मैं बहुत बहुत खुश हूं। यार पता है आपकी एज क्या है वैसे? एज भी नहीं बताओगे क्या? नहीं, तो बस यही है, एज भी नहीं बता रहे यार, तो मतलब मेरी एक, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे यार, अभी आपसे बात करी ना, अब आप एकदम से मिल गए, मम्मी से भी बात उसी समय कर रहा था, हो सकता है भगवान चाह ही रहो कि आप मेरे घर पे आओ लोहड़ी वाले दिन, ये बोल रहा था, थोड़ी लोहड़ी बन जाती ना आपके साथ तो बस हो जाता है यार। अच्छा मैं जानती हूँ, मैं कैसे ऐसे किसी के पास चली गई लोहड़ी मनाने, एक शाम किसी को इनाम कर दूँ, ये सब चीज़ थोड़ी ना होता है। कुछ गलत करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, देखो आप मेरे घर पे आना, मम्मी से मिलना, मेरे पापा से मिलना, मेरी बहन से मिलना, फिर वहाँ पे फुल्ले यूँ फेंक देना आग के अंदर, देखो ये करके बस फेंक देना आग के, ना फुल्ले रेवड़ी, फिर मैं आपको वो भी खिलाऊंगा गज्जर, गुड़ की पट्टी, ये सब चीज़ें मैं खिलाऊंगा आपको, फिर ना हम हाथ सेकेंगे थोड़ी देर यूँ करके। नहीं नहीं नहीं, मुझे हाथ वाथ नहीं सीखना है, मुझे वो गुड़ की पट्टी वो नहीं खाना है। लग रहा है आपका ना प्यार से विश्वास उठ गया है ना, वो आपका उठा होगा, मेरा क्यों उठे? मेरा उठा होता तो मैं आपसे प्यार भरी बातें, मैं बोल रहा हूँ जब हम यूँ हाथ देख रहे होंगे ना, तो मैं आपको प्यार भरी बातें करूँगा, गाने सुनाऊंगा प्यार भरे, तो फिर मैं नहीं सुनती गाने वाने, गजब बेइज्जती है। मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं क्यों आपके साथ बैठ के गाने सुनूँ, हाथ सीखूँ, दुपट्टे खाऊँ, मैं आपको जानती हूँ, नहीं जानती हूँ मैं आपको जान पहचान बढ़ाऊंगा ना आपके साथ, ऐसा थोड़ी ना होता जान पहचान यार, रास्ते चलते बोले कि हाँ चलो मेरे घर, मेरे घर की ये बन जाओ वो बन जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब गुस्से वाली हो क्या आप? समझ लो आप, मुझे तो ऐसा लग रहा था प्यार भरा हुआ है आपके अंदर, आपको जो सोचना है समझ लो, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है यार। मैं ऐसे मत करो मेरे साथ यार, ना इंसाफी हो जाएगी यार, मैंने मम्मी को बोल भी दिया मैंने, अब आप मम्मी को ये भी बोल दिया पतली सी लड़की है, मैं बोल रही हूँ कि वो देखता नहीं ना जब मेरे सामने कोई और बैठी होता है, तो आप ही अच्छे लग रहे हो, मैं कोई गाना भी तो सुना दूँ आपको, गाना सुना दूँ जिससे आपकी थोड़ी दांत दिख जाए, स्माइल आ जाए चेहरे पे, तो आपको देखो यार मैं ना वादा कर चुका हूँ, मैं नहीं चाहता मैं आपसे जबरदस्ती गोदी बैठा, नहीं मम्मी को बोल दो, मम्मी आप खुद ढूंढ लो, आप बोल दो मेरी मम्मी को, मैं क्यों बोलूं मम्मी को यार, मैं देखो मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं बोलूँगी मेरे से सवाल करेंगी, बोलेगी तुम कौन हो क्या हो, पता चला कि मैं यहाँ मना कर रही हूँ, प्लस वो अलग ही मतलब निकाल लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सॉरी मैं अगर आपको अभी एक दो दिन है अभी, तो मैं आपको प्रपोज करके मतलब अपने प्यार में वश में करके, अपने प्यार में ऐसे करके मतलब वश में, मतलब आप आई लव यू बोलो, आप आई लव यू टू बोलो, ब्लैक मैजिक करते हो क्या? नहीं नहीं यार, प्यार के प्यार वाला मैजिक करता हूँ मैं, गाने गुने सुना के ना मतलब लड़की को प्यार से खुश करके, तो अगर आपको प्यार कर लूँ तो फिर तो चलोगे ना मेरे घर? आपको सपोर्ट करो, प्यार के लिए बोल दो आई लव यू बोल दो, फिर तो चलोगे ना, अगर आपको प्यार हो जाए मुझसे तो? मुझे नहीं होगा प्यार, मैं नहीं जाऊंगी, आप कहीं और ट्राई मारो, थोड़ी देर के लिए यार बस समझो मेरी फीलिंग को, मेरे साथ चल लेना, ये बोला करो लोहड़ी वाले दिन, चल लेना मेरे साथ, मैं नहीं जा सकती सॉरी, आप किसी और को क्या है? नहीं मेरे अंदर दिल नहीं है, पत्थर पत्थर है, उस पत्थर को पिघलाने के लिए मैं क्या करूँ? पत्थर पिघलता नहीं है यार,
यार, अगर दिल में प्यार हो ना तो हर चीज पिघल जाती है, लोहा भी पिघल जाता है। तो पत्थर की बात देखो, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, देखने तो यार आंटी भी देखती रहेगी यार, जब हमारी शादी होगी तब भी देख लेगी आंटी। अच्छा मौसी है क्या, अगर शादी होगी तो देख लेंगे। अरे देखो यार, प्यार होता है ना तो जब शादी होती है, शादी में सब देखते हैं। तो मैं तो अच्छी बातें कर रहा हूँ, प्यार वाली बातें कर रहा हूँ। यहाँ तो दोस्ती हुई नहीं, प्यार हुआ नहीं, फिर शादी कहाँ से होगी। तभी देखो ना, लाइफ में कभी कभार ऐसी चीज हो जाती है। देखो मैंने कुछ भी नहीं हुआ, मैंने आपको सीधा लोहड़ी पे बुलाऊंगा, लोहड़ी पे दोस्ती हो जाएगी हमारी, फिर प्यार, फिर शादी, फिर बच्चे। क्या बकवास यार, आप समझो ना, इतनी भी चीज मेरे लिए नहीं कर सकते, लोहड़ी पे नहीं चल सकते। मैं नहीं चाहता कि ना मैं अपना दिल फाड़ू और उसके लिए। नहीं नहीं, बजरंग वाली बनने की जरूरत नहीं है। क्या बनने की जरूरत नहीं? बजरंग वाली बनने की जरूरत नहीं है कि दिल फाड़ो चीरो ये। यहाँ पे फिर सर्जन भी नहीं मेट्रो में मिलेंगे ना कि यहाँ सर्जरी आपको लेके जाना चाहता हूँ, बस ये सुन लो, अब आपको आना पड़ेगा। यार मैं जाना नहीं चाहती हूँ, आप ये सुन लो बस। आप ये क्या करोगे, मैं जबरदस्ती करने में मजबूर मत करो मुझे प्लीज। मैं यार आपके लिए क्या करने चाहूँ, जबरदस्ती है, मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। भीड़ में मैं आपको आई लव यू बोल रहा हूँ, इतनी भीड़ की बिना परवाह करके आपको बोल रहा हूँ मेरे साथ चलो। तो मैं आपकी लाइफ में अगर सपोज करो मैं आपकी लाइफ में भी आ जाऊँ तो आपको कितना खुश रखूंगा। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे जाना ही है आपके साथ। काश के हम, चल लो यार, चल लो प्लीज, ट्राई कर लो यार प्लीज। यार आप तो मान ही नहीं रहे, बिल्कुल ही नहीं मान रहे, इतना मान ना लिया, अब तो मान लो, मान जाओ। इतनी खूबसूरत लड़कियाँ, इतनी खूबसूरत लड़कियाँ, इतनी खूबसूरत लड़की, बस मैं चाहता हूँ आप मान जाओ। अब मान रहे, नहीं मान सकती, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती। अरे यार क्यों नहीं जा सकते, अरे देखो मैं इनको बोलूँ, मैं चाहता हूँ इनको बोलूँ। हाँ देखो चार्जर भी लगा रहे हैं हम, अब तो थोड़ा इधर हो जाओ, अब तो थोड़ा इधर हो जाओ, हंस रहे हो, बिल्कुल दांत दिखा रहे हो, चल यार अब। हाँ बोल दो बस, बहुत हो गया, प्लीज चल लो यार, कितना रुपये आप कहीं और देख लो, मैं नहीं क्या देख लूँ कहीं और। मेरे सामने एक लड़की बैठी है जिससे मैंने इतनी बात, मैं इसको बोल रहा हूँ मेरे साथ लोहड़ी पे चलने मना कर रही है, गलत बोल रहा हूँ आप बताओ। मुझे मम्मी से मिलवाने ले जा रहे हैं, मम्मी को चाहिए बहू, कोई घर लेके जाता है आज का लड़का, मैं मम्मी से मिलवाने के लिए बोल रहा हूँ, लोहड़ी वोड़ी है बना, क्या पता लोहड़ी के बाद आपकी मम्मी भी मार के भगा दे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी, कहीं के नहीं रहूंगी, फिर मम्मी से लड़ लूंगा आपके लिए। ये दिल का भरोसा नहीं है, ये दिल कभी भी फिसल जाता है लोगों का। आपको ऐसा लग रहा है सर, मैं तो तुम्हें भी अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ। यार आपको लग रहा है कुछ गलत कर सकते हो, शक्ल से, शक्ल पे थोड़ी ना लिखा रहता है लोगों, अब ना मेरे को ना ठंड लग रही है, वैसे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, जुकाम वुकाम भी हो रहा है। जाओ घर जाओ, ब्लैंकेट के अंदर जाके बैठ जाओ, ठंड लग रही है तो। वो लोहड़ी में जो आग सेकने वाले हो वो अब भी सेक लो। बड़ा मजा अच्छा लग रहा होगा ना लोगों को मेरे बारे में मजाक उड़वा के सबके सामने, जबरदस्ती खींच के ले जाऊंगा, अच्छा लगेगा। चल खींच के ले जाकर दिखाओ फिर, बता चाहते हो आपको खींचो। यार बस अब तो मान जाओ, चल लो। अरे सुनो अभी तो मत आना, अभी नहीं आना, अब ना लोहड़ी वाले दिन मेरे को मिल जाना, मैं कैब बुक करा दूंगा मेरे घर। मुझे नहीं कैब में बैठना। किस पे बाइक पे, स्कूटी पे बैठना? नहीं बैठना स्कूटी। किस पे बैठना फिर, घोड़े पे? घोड़ा बना दो मुझे ना, फिर घोड़े, स्कूटी, बाइक, फोर व्हीलर कुछ भी नहीं चाहिए। तोड़ के आओगे ना? कुछ नहीं दे रहा मैं आपको, बस इतना बोल रहा हूँ, आप आ जाना लोहड़ी वाले दिन मेरे घर, आ जाना आधे घंटे के लिए, आ जाना, दोस्ती कर ली हमने। दोस्ती कब हुई हमारी? अरे अब कर लो ना मुझसे दोस्ती, आ जाना यार, एक रिक्वेस्ट है, मेरे घर आ जाना बस, उन लोहड़ी बना के चले जाना बस, इतना ही हमारे साथ बस। दोस्ती तो हमारी हुई नहीं, ऐसे कैसे दोस्ती, फिर क्या करूँगा दोस्ती करने के लिए? नहीं नहीं, आपका तो यहाँ कुछ अलग ही केस है ना, आप तो अपनी मम्मी से भी बात कर रहे थे, मैं लड़की ला दूंगा, ये वो बहू दूंगा, ये ऐसा वैसा, क्या 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 पता मुझे फंसा दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी फिर। यार नहीं फंसा रहा आपको, अच्छा मैं रिक्वेस्ट, अरे मान जाओ मेरी मम्मी, अरे यार प्लीज तो ऐसा चलो बहुत खुश कर रहा हूँ आपको। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, खुश होना तो आप, मेरे चेहरे पे लग रहा है कि मैं दुखी आत्मा हूँ। नहीं आप मेरे को खुश कर देना ना, मैं खुश मतलब हो जाऊँगा बस,
मेरे को खुश रख लेना। आप कोई और ट्राई कर लो ना। चलो मैं जा रहा हूँ यार, आपने तो इतना मतलब चलो जाऊँ। हाँ जाओ, आप जाओ प्लीज, जाओ पक्का जाओ ना। हाँ पक्का जाओ। अभी तो आपने मेरे से थोड़ी बात बातें करी थी, चल लेना, कुछ नहीं करना आपको, बस वहाँ पे आ जाना, लोहड़ी वोड़ी बनाना, वो जो आपको मैंने बताया था। बस मैं नहीं बनाती लोहड़ी वोड़ी। क्या बनाते हो आप? मैं कुछ नहीं बनाती। इतनी बेइज्जती करवा रहे हो मेरी, तो सब क्या बेइज्जती, इतना खुद करवा रहे हो, मैं क्यों कर रहा हूँ? मम्मी को बोल दो फिर। हाँ बोल दो, मम्मी को बोलो, मम्मी खुद ढूंढ लो, नहीं मिल रही है इस बार भी, मम्मी को अकेली लोहड़ी मनाने दो। आप चल लो फिर, मजाक करो। अबे यार मैं आप ही को लगे जाऊंगा यार, हैं? मैं नहीं जाऊंगी यार, इतनी सारी मांग रखी है, आप किसी को भी बोलो ना, चली जाएंगे। बेइज्जती करवा रही हूँ मेरी, तुम इज्जत थोड़ी बहुत इज्जत रख लो। काई का इज्जत, ऐसे मेरी बेइज्जती नहीं करवा रहे हो यार। बेइज्जती कहाँ करवा रहा हूँ मैं, प्यार से धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मेरे घर आ जाना। मैं तो चिल्ला रही हूँ, मैं लाउड स्पीकर लगा के बोल रही हूँ। मेरे घर आ जाना, मेरा एड्रेस ले लो और आके आप चले जाना, आधे घंटे के लिए पैसे ले लेना। आधे घंटे के लिए पैसे नहीं मिले। आवाज बंद कर लो, समझ कर रहे हो, मुझे पैसे दिखा रहा है तू? क्या करूं, प्यार दिखा रहा हूं, प्यार तुम्हें दिख नहीं रहा। मैं पैसा अपनी जेब में रख, ये उंगली के अंदर मेरे को लग रहा है घुस जाएगी मेरे, इतनी नोकी लिए डर लग रहा है। मैं दिखाई नहीं लगा नहीं रही हूं, पैसे की बात मत करो। अच्छा चलो, मैं पैसे की बात नहीं करूंगा, प्यार की बात तो कर सकता हूं ना। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरे पैसे चाहिए। आपको कहां जाना है? आपको कहां जाना है? स्टेशन कहां है आपका? क्यों बताओ, थोड़ा ना आप मैं प्यार प्यार देखो मेरी आंखों में ना, तो खुद ही आपको हो जाएगा जाने के लिए। ये तो दुख की बात है ना कि मेरे स्टेशन भी जल्दी आ नहीं रहे, इतने देर तक परेशान करोगे पता नहीं। अरे परेशान नहीं कर रहा है, बस आपसे हाथ सुनना चाह रहा, मैं खुद चला जाऊंगा। आ जाना यार, इतना नहीं हो पा रहा आपसे कि मेरे वहाँ आ जाना, चला जाता हूँ मैं। हाँ हाँ चले जाओ, वहाँ बहुत मैं क्यों आऊँगी ना का मतलब ना होता है, ना का मतलब हाँ कभी नहीं होता है। प्यार होता है ना, वो ना को ना हाँ में बदल देता है। प्यार जो होता है ना, प्यार क्या होता है, प्यार क्या होता है? मैं आपको जबरदस्ती खींच के ले जाऊँ? जरा खींच के दिखाओ फिर बताती हूँ। अभी लेके जा रहा हूँ, इस गेट खुले तो खींच के लेके जाऊंगा। अब तुम्हें ना लोहड़ी तक अपने घर पे रखूंगा, फिर देखो तो मैं घोल लेके आता हूं। अब मैं लेके जा रहा हूँ, इनको बिठा दो, इनका फोन लगाओ चार्जिंग। पुलिस वाले भी बैठे होंगे, पुलिस वाले से मैं डरता नहीं। चलो।